का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज है। अब ये फैक्टराइज जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक्सपेंड किया था ना, एक्सपेंड किया था उसका एक रिवर्स क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपको फैक्टराइज करके वो फॉर्म लाना है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन था वो आंसर है यहाँ पे, और जो आंसर है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का रिवर्स है। तो अब सबसे पहले इसको हमको बताइए कौन सा फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस, ये हमको ये जो क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, इस क्वेश्चन का जो जिस्ट है वो ये आपको दिया हुआ है, और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 9y किसका स्क्वायर होता है, 9y होता है 3y का स्क्वायर प्लस 16 होता है 4 का और z का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बन गया, मतलब आपका जो a है वो आया आपका क्या 2x, b आया आपका 3y और c आया आपका 4z, ठीक है। इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 क्या ab, ab का मतलब क्या होगा, a कितना है 2x और b कितना है 3y, तो a आपका 2x और b आपका 3y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी, b कितना है 3y और c कितना है 4z प्लस 2ca, ठीक है 2ca, अच्छा 2ca का मतलब है 4z इंटू a क्या है 2x, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या पड़ रही है, प्रॉब्लम एक ये पड़ रही है कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस है नहीं फॉर्मूले में, तो क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 2ab वाला टर्म है, ये 2bc वाला टर्म है और ये 2ca वाला टर्म, तो कौन सा टर्म नेगेटिव है, 2bc वाला और 2ca वाला, ये दो टर्म नेगेटिव है, ये और ये टर्म नेगेटिव है, ये कौन सा टर्म है फॉर्मूले में, 2bc और 2ca है ना, इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में आपका c कॉमन है, कौन कॉमन है c, तो यहाँ पे जो नेगेटिव होगा वो c होगा, c वाला टर्म मतलब क्या 4z, तो 4z आपका माइनस, ये जो 4z प्लस में था ना इसके आगे क्या आएगा माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आपका जो माइनस होता है ना, माइनस दो टर्म दे रखे, तो दो टर्म में जो वेरिएबल कॉमन है, जैसे ये 2bc है और ये 2ca है, तो इन दोनों में c आ रहा है, दोनों में c आ रहा है, तो c वाला वेरिएबल क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने c को क्या लिया 4z नहीं लिया, माइनस 4z लिया, क्योंकि माइनस 4z का भी स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं 4z की जगह क्या कर दूँ माइनस 4z कर दूँ तो उसका स्क्वायर भी 16z स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या चेंजेस आएंगे, तो ये तो सही आएगा 2ab, अब 2bc में आएगा तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, ये प्लस लिखिए कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे भी आपका आएगा क्या माइनस, ठीक है। तो आपको सबको ये पता चलना चाहिए कि सी माइनस क्यों आया, सी माइनस इसलिए आया क्योंकि 2bc और 2ca वाला टर्म क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव है, और 2bc और 2ca वाले टर्म में सी कॉमन है, तो सी कॉमन है, सी का क्या आएगा, सी आपका जो वेरिएबल है वो नेगेटिव आएगा, तो सी आपका माइनस 4z होगा, ठीक है। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर, माइनस 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा। अच्छा अब इसको देखते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24 और y और z माइनस 24yz है, फिर आपका 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8zx माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16xz वो भी है, मतलब ये सभी फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पूरे ये वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है 2x, b है 3y, c है माइनस 4z, तो आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे c था माइनस 4z, इसलिए उसकी जगह पे माइनस 4z, क्लियर, ओके।